मैं एक सवाल करना चाहता हूं जो स्कूलों में बहुत ज्यादा आम है और हमारे जो नाजरीन हैं शायद सबके बच्चे स्कूलों में पढ़ते होंगे। स्कूलों में एक सिस्टम ये करते हैं स्कूल वाले बहुत सारे कि बच्चे को जो किताब पढ़नी है वो किताब आपको मुझे से खरीदना है, स्कूल से ही खरीदना है। आप अगर बुक स्टॉल से खरीद के सेम किताब ला रहे हैं, सेम एडिशन, सब कुछ सेम, तो नहीं चलेगा। आपको जरूरी है कि मुझसे ही आपको खरीदना है। क्या आपके स्कूल में ऐसा किया जाता है? नहीं, गवर्नमेंट स्कूल है तो बुक्स बच्चों को फ्री में मिलते। अच्छा, चले, अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल गवर्नमेंट स्कूल का मसला थोड़ा सा अलग है, लेकिन प्राइवेट में यहाँ तक कि मुस्लिम इदारों के अंदर ये चीज पाई जाती है कि बच्चा बच्चे को बुक्स, पेंस, कलम और स्कूल में इस्तेमाल करने की जो दीगर चीजें होती हैं आपको मुझे से खरीदना है। घर से बाहर आपको चीज 10 रुपए में मिले और मैं 12 में दे रहा हूं तो मुझे से खरीदना है, तो ये चीज जायज नहीं है। यहाँ तक कि आप अगर उसी रेट में दे रहे हैं जिस रेट में बाहर मिलता है तब भी आप मजबूर अगर कर रहे हैं तो ये जायज नहीं होगा, क्योंकि बैंक ये शुरू में से है कि तरफेन की रजामंदी होनी चाहिए। और वो बच्चा आपके स्कूल में पढ़ रहा है वो आपसे स्कूल के सामान खरीदने का मुकल्लफ नहीं है। अगर आप इसको मजबूर करते हैं तो ये बयो शेरा, ये खरीदो फरोख्त जायज नहीं है, ये हराम है। चे जाए कि उसके अंदर जो लोग करप्शन करते हैं और जो है बच्चों को, उनके पेरेंट्स को लूटते हैं और उनकी मजबूरियों का फायदा उठाते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि उन्हें करप्शन ही करना है तो किसी गंदी लाइन में चले जाएं। तालीम तो एक साफ शफाफ और पाकीजा लाइन है, इस लाइन को प्लीज आप गंदा ना करें और तालीम को तिजारत का जरिया और इस तरह हराम तिजारत का जरिया ना बनाए। यहाँ तक कि बहुत से स्कूलों में आसिम भाई देखने में चीज आई जी है जी कि जो ड्रेस होता है हर साल स्कूल का ड्रेस बदला जाता है, कलर उसके बदले जाते हैं। एक बच्चा पढ़ रहा है, अगले साल उसका छोटा भाई आएगा, कहीं ऐसा ना हो कि उसका छोटा भाई वही ड्रेस पहन ले और उससे वो नया ड्रेस ना खरीदे। यहाँ अगर कुछ नहीं किया जाएगा तो उसका बटन ही बदल दिया जाएगा। तो ये सारे करप्शन अपने मुस्लिम जो बहुत सारे कॉन्वेंट कॉन्वेंट और इस तरह खास तौर से जो अंग्रेजी स्कूल है जहां पे दीन का कोई वो नहीं है, तो ये सारी चीजें वो करते हैं और उनका ध्यान इस तरफ जाता भी नहीं है कि वो हराम काम कर रहे हैं। तो लिहाजा स्कूल वालों को, जो भी स्कूल से मुर्तबित लोग हैं, उनको इसे समझना चाहिए और कोई भी अमल करने से पहले एक बार अपने दीन को, अपनी शरीयत को, अल्लाह के अहकाम को देख लेना चाहिए कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं।